खाकर नमकीन चावल बना रहे हैं क्योंकि हमने तो सिर्फ आलू खाए थे इसलिए। क्या हुआ? तो ये सारा सामान है जो हम लाए थे और अब टाइम है इसको लगाने का। ये देखो ट्राई कलर नाचोस। सो पहले अभी तो हम टीवी देखते हुए खाना खाएंगे चावल, क्योंकि बहुत ही तेज भूख लग रही है। वाह मजा सा ही आ गया खाना खाकर चाय पीकर। अब इतनी नींद आ रही है ऐसा लग रहा है कि सामान नहीं लगाना, पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लगा दिया रेड यार, उसको टैग को हटा दे। क्या है वो? नहीं नहीं, अपना पूरा डाइनिंग टेबल का लुक चेंज करने वाले हैं तो ये हटा देते हैं। और ये भी हमने वैसे लिया था चुंबक से, बट अभी हम इसको कहीं और लगा देंगे। नहीं ना, जो यहाँ पर तो वो लगेगा। और अभी हम इस पे ये टेबल क्लॉथ बिछाएंगे। दिवाली आई और अब हम इस पर ये लगा देते हैं। इसमें अब वो डालना है ना, वो जो लाए थे फ्लावर्स, सेंटेड फ्लावर्स जो होते हैं। बैम, युवे हैं फ्लावर्स। इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बट ऐसे क्यों लग रही है पत्थर हैं? नहीं पत्थर तो नहीं है, बट खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये हमने एक यहाँ पर लगा दिया है साइड में, और दूसरा हम यहाँ पर लगा दिया। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास रखने को था, बट वो जावी ने तोड़ दिया था, तो वो एक वहाँ पर है। ये लाइट को क्या हो गया? और एक ये यहाँ पर है, हमने यहाँ पे आला लगाया हुआ था टेबल पर भी। ये वाला लगा दे। तो हमने दिवाली एडिशन वाला लगा दिया और ट्रे को हमने उधर रख दिया साइड में। पता नहीं कैसे लग रहा है, सही लग रहा है। तो जावी ने तोड़ दिया था नीचे इसका एक पॉट, तो अब हम यहाँ पे ये लगा देते हैं। कर दियो फिर से। पसंद नहीं आ रहा तो इनको तो हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। वाओ, कोई पटाखे फोड़े नानू नन्नू, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। चिड़िया भी बोल रही है, चिड़िया बोल रही है जावी, चिड़िया ची ची। वाओ, एकदम दिवाली वाली फीलिंग आ रही है। तभी हम ये लाइट लगाएंगे बाहर। जावी आ जाओ, लाइट जलाइयो। यहाँ पर लाइट लगाए या फिर यहाँ पर? आई गेस यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पता है हम फोटो भी खिंचवा पाएंगे अगर हमें खिंचवानी हो तो। चल गई। ये हमने यहाँ पर इसे सजा दिया है, पहले लगा दिया है। इसके ये सारे हैंडल्स है ना मेरी अलमारी के, ये सिल्वर वाले, ये हम सारे चेंज करके ये वाले लगा देंगे, ये वाले। ये कहाँ पे लगाए मम्मी अभी? एपिक फेल हो रहा है मेरे साथ, मुझे लगा था मैं हाथ से खोल लूंगी, बट ये बहुत भारी है। क्या कोई बात नहीं लगा दे उसमें यार, ये कैसे टूट गया? लग जाएगा। इसको आराम से खोल। वाओ कितना सुंदर लग रहा है न्यू। अब हम इसमें भी सारे में लगा देंगे। यहाँ पर ये वाले लगा दिए जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। ऊपर वाले थोड़े अलग है क्योंकि हम ये छह ही लाए थे, हमको याद नहीं था कि बीच में भी है, तो हम ये वाले लाए थे। तेरा मुंह आ रहा है। ये वाला मिरर हम यहाँ पर लगाएंगे। ये मुझे इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, इतनी ज्यादा अलमारी अच्छी लग रही है, कितनी ज्यादा, बहुत ही एकदम मैच कर रहा है इसके साथ ना, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाला मिरर हमने यहाँ पे लगा दिया है, पर मेरी हाइट तो बहुत छोटी है इसमें देखने के वाले। कैंडल स्टैंड हमने यहाँ पे, कैंडल हैंगिंग पता नहीं क्या बोलेंगे इनको, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है। और दिवाली वाले टाइम पे हम इसमें वो लगा देंगे लैम्प, नहीं इसमें हम कैंडल लगा देंगे दिवाली वाले दिन। और हम दिया ये वाले लेकर आए थे, ये वाले। मम्मी आप क्या कर रहे हो? लड़ियां लगा दी। अच्छा
तो यहाँ पे मम्मी अली फेरी लाइट्स लगा रही हैं, और ये वाला दिया मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और ये सारे दिया भी लगा दिए हैं। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी से दिवाली की क्यों इतनी डेकोरेशन कर रहे हैं, इनफैक्ट हमने दिया भी लगा दिए, बट दिवाली सिर्फ दिवाली वाले दिन की नहीं होती है, सिर्फ लोग उस दिन सजाते हैं और अगले दिन बस भूल जाते हैं, दिवाली ख़त्म। बट दिवाली एक्चुअली पूरे महीने से बननी चाहिए, जैसे कि लोग बाहर क्रिसमस एक महीने पहले से ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अपना सब कुछ डेकोरेट करते हैं, और हम पहले दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, दियाज पेंट करते थे, अभी हम दिया पेंट और वो सब नहीं करते हैं, तो और बहुत सारी चीज़ें जब हम नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरे को तो दिवाली की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, हद से ज़्यादा। मतलब अभी से मेरे को वाली खुशबू आने लग गई है जो दिवाली के आसपास आती है, और जो थोड़ा बहुत ठंड का मौसम होता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब दिवाली बनाना ये नहीं होता कि आप उस दिन सिर्फ पटाखे फोड़ो और ख़त्म, मतलब वो तो एकदम बस ऐसा हो गया कि उस दिन आपने नेचर को हार्म करा एंड देन ख़त्म। तो आप लोग भी एक एक हफ्ते पहले से अपने घर में हर रोज़ कोई अच्छी डिश बना सकते हो नई, और अपने घर में दियाज डेकोरेट कर सकते हो, और डांस कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को विजिट कर सकते हो, रिलेटिव्स को गिफ्ट देकर आ सकते हो, तो बहुत कुछ है दिवाली में करने को पटाखे फोड़ने के अलावा। तो हम तो बिल्कुल भी पटाखे नहीं फोड़ेंगे, पिछले टाइम भी हमने पटाखे नहीं फोड़े तो हमें लगा कि बस अब तो दिवाली में कुछ बचा ही है, बट ऐसा कुछ नहीं है, दिवाली में बहुत कुछ है, बट आजकल लोग इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं उनको बस लगता है कि हाँ आज दिवाली है तो बस आज हम सजाते हैं और फिर उसके बाद ख़त्म। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी ऐसे ही अपनी दिवाली सेलिब्रेट करें और पटाखे बिल्कुल भी ना फोड़ें, क्योंकि बहुत अच्छी दिवाली हम मना सकते हैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ। तो हम भी इस बार ऐसी ही दिवाली बनाएंगे। क्या ये मम्मी ने लगाया है ना? हाँ, मतलब ये अच्छा लग रहा है कि बीच में ऐसे राप राप वाली है और ये साइड में ऐसे है। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और तो हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पे वाले दिए लगा दिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और यहाँ पर भी अभी तो और बहुत सारे दिए लगेंगे, बट ये थोड़े डेकोरेटिव वाले हैं जो कि मतलब अच्छे लगते हैं। और कितनी ठंड हो रही है, ये वाला तो एकदम क्रिसमस जैसी लग रही है। अपने रूम के लिए तो मैं इतना कुछ लाई नहीं, बट वैसे ही ठीक है मेरा रूम तो। और हाँ, हमने ये वाली लाइट्स भी लगाई थी, ये वाली, ये जब हम गली में जाते हैं ना नीचे गली में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ये जो हैंडी कैम है ना, ये हमारा बहुत बहुत साल पुराना हैंडी कैम है, शायद जब मैं 2 या 3 साल की थी, तो अभी मैं इसमें, हमारे पास बहुत सारी ये सारी भर के कैसेट्स हैं जिसमें हमारी सारी रिकॉर्डिंग है, तो अभी मैं पूरे घर की रिकॉर्डिंग बनाऊंगी। पुरानी वीडियो देख रही थी और देखो मुझे जावी की पुरानी वीडियो मिली, शायद वो सिर्फ 1.5 महीने का था, और उसको नहीं हिलाया नहीं था, उसको साफ करा था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम उसको तौलिए साफ करें। नानू तू क्या कर रही है? मैं इसे रिकॉर्डिंग बना रही हूँ, ओह बैटरी। वैसे आपने मेरा रूम तो आई गेस बहुत बार देखा ही होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी मेरा रूम बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज है, मेरे को बहुत कुछ करना है, जैसे वो चीज़ें ऐसे ही रखे हैं वहाँ पर, और मतलब कि बहुत कुछ करना है। वो पॉट है उसमें मुझे फ्लावर लगाने हैं, और बाहर से भी मेरे को थोड़ा अच्छा अपनी बालकनी करनी है, और ये जैसे लैम्प भी चेंज करने क्योंकि ये ख़राब हो गए हैं, यहाँ पे मैं कुछ नया करूँगी आई गेस, और मतलब कि बहुत कुछ है करने को, और वो भी मैं करूँगी, और जब मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो मैं आपको तब अच्छे से दिखाऊँगी। तो अभी मुझे भूख लग रही थी तो मैं ये बना रही हूँ, कौन सी है ये, जो हांगकांग वाली मैगी होती है वो बना रही हूँ। सर्दियों में मेरा मैगी खाने का वैसे बहुत मन करता है, वैसे तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, यस मैं करती हूँ, बट अभी मेरा मन कर रहा था खाने का तो इसलिए मैं खा रही हूँ। तो मैं अभी मैगी खा रही हूँ और हमारी पुराने टाइम की वीडियो देख रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा रात हो गई है और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो मैं जाकर सोऊंगी। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय।